जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम ऑफिसर के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कस्टम ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कस्टम ऑफिसर के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि कस्टम ऑफिसर क्या होता है, कस्टम विभाग क्या होता है और कस्टम इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कस्टम विभाग क्या होता है। कस्टम विभाग का काम बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है। अगर देखा जाए तो कस्टम विभाग का काम इनकम टैक्स विभाग के समान ही होता है, क्योंकि बिना कस्टम के ना तो कोई माल आयात हो सकता है और ना ही कोई माल निर्यात हो सकता है। उसे जांचने की जिम्मेदारी कस्टम विभाग की ही होती है। कस्टम विभाग का काम ये देखना होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर पाबंदी है वह किसी देश के बाहर ना जा सके और ना ही किसी देश के अंदर आ सके। कोई ऐसा सामान जो प्रतिबंधित है और उसकी तस्करी की जा रही है तो कस्टम ऑफिसर को उसको फौरन जांचना होता है। दोस्तों, कस्टम विभाग का काम होता है आयात और निर्यात होने वाली वस्तुओं पर नियंत्रण रखना और प्रतिबंधित वस्तुओं की जांच करना। कस्टम ड्यूटी भारतीय सीमा अधिनियम के तहत सन 1962 को लागू किया गया था। यह एक तरह का कर होता है जो हमारे देश में होने वाले माल के आयात और निर्यात पर वसूला जाता है। आप समझ सकते हैं कि सरकार को इससे कितना फायदा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 2020-21 में कस्टम रेवेन्यू 1,38,000 करोड़ रुपये था, जिससे आप समझ सकते हैं कि सरकार को इससे कितना फायदा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कस्टम डिपार्टमेंट वह होता है जो सामानों के आयात निर्यात पर कस्टम ड्यूटी मतलब कर वसूलने का काम करता है। इसके अलावा यह प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश की जांच भी करता है और कस्टम ऑफिसर का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टम ऑफिसर क्या होता है। कस्टम ऑफिसर वह होता है जो अपने अधिकार के दायरे में आने वाली सभी सामानों की जांच करता है। इनका मुख्य काम होता है किसी भी माल के आयात और निर्यात पर नजर रखना कि कहीं किसी माल की तस्करी तो नहीं की जा रही है या फिर प्रतिबंधित माल का आयात निर्यात तो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा तस्करी करने वाले लोगों की जांच पड़ताल कर उन्हें गिरफ्तार करवाना भी कस्टम ऑफिसर का काम होता है। अब आप जान गए होंगे कि कस्टम अधिकारी क्या होता है। अब हम बात करेंगे कस्टम ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कस्टम ऑफिसर बनने के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। जो कैंडिडेट्स कस्टम ऑफिसर बनना चाहते हैं उनका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना जरूरी है और इस बैचलर डिग्री में आपकी कम से कम 55% अंक होने जरूरी है। अब हम बात करेंगे कस्टम ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो कस्टम ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम जो एज है वो 21 साल और आपकी मैक्सिमम एज 30 साल तक हो सकती है। इसके अलावा सरकार के नियमों के अनुसार SC/ST कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी जाती है। इसके अलावा OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट दी जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल एबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। अगर बात करें आपके चेस्ट की तो आपका चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। इन सारी योग्यता के अलावा आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास किसी भी एक व्हीकल का लाइसेंस भी होना जरूरी है। इसके अलावा आपने किसी भी प्रकार का कभी ड्रग इस्तेमाल नहीं किया हो। इसके अलावा आपके पास रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन भी होना जरूरी है और इसके अलावा आपको जो है रेडियो टेलीफोन को ऑपरेट करने का अच्छी नॉलेज भी होना जरूरी है। तो इन योग्यताओं को पूरा करने के बाद आप कस्टम ऑफिसर बनने के योग्य हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कस्टम ऑफिसर बनने के सिलेक्शन प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, जो कैंडिडेट कस्टम ऑफिसर बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आवेदन करना होता है। ये एग्जाम UPSC द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एग्जाम 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आपका होता है CSAT यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के कुल 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर में आपके 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, जनरल अवेयरनेस, भूगोल, आर्थिक और सामाजिक विकास, इसके अलावा जनरल साइंस और रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं। CSAT यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने के बाद में आपका सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन होता है, जो कि बहुत ही टफ एग्जाम होता है। इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम में कुल 9 पेपर होते हैं। इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। अगर आप सिविल सर्विसेज की मेन एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों, यह है कस्टम ऑफिसर बनने का प्रोसेसर। अब बात करते हैं कस्टम ऑफिसर में कौन कौन सी रैंक्स होती है। तो यहाँ पर आपकी एक तो रैंक होती है कस्टम इंस्पेक्टर, इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर, इसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसके अलावा आपकी रैंक होती है कस्टम क्लियरेंस ऑफिसर, इसके अलावा कैश प्रोसेसिंग ऑफिसर, इसके अलावा कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव और इम्पोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो आप कस्टम ऑफिसर में कौन कौन सी रैंक होती है इनके बारे में आप समझ गए होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कस्टम अधिकारी को मिलने वाले वेतन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि कस्टम ऑफिसर की अलग अलग रैंक्स होती हैं, जिसके अनुसार कस्टम ऑफिसर की सैलरी भी अलग अलग दी जाती है। एग्जीक्यूटिव लेवल पर कस्टम ऑफिसर की सैलरी 42,000 रुपये तक होती है और इंस्पेक्टर लेवल पर कस्टम ऑफिसर की सैलरी 52,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक होती है। इतनी बेहतरीन सैलरी के साथ ही और भी कई तरह के लाभ हैं जो कस्टम ऑफिसर को प्राप्त होते हैं, जैसे कि HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रेवल अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉय लाइफ इंश्योरेंस, डियरनेस अलाउंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये होगी कस्टम अधिकारी को मिलने वाले सैलरी और अलाउंसेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने कस्टम ऑफिसर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है जो आपको कस्टम डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए मदद करेगी।
इस वीडियो में आपने जाना कि कस्टम विभाग क्या होता है, आप कस्टम ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, साथ ही आपने जाना कस्टम ऑफिसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और हमने बात करी कस्टम ऑफिसर को मिलने वाली सैलरी के बारे में। दोस्तों, कस्टम ऑफिसर को लेकर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।